यस, चलिए एक और नए स्टूडेंट के साथ मिलते हैं, अविनाश, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 219 है और जो उड़ीसा बालासोर से हैं। तो अविनाश को अभी कैलिकट अलॉट हुआ है। तो अविनाश, सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। इस बच्चे के इंटरव्यू के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अभी तक जितने भी सेशन डाल रहा हूँ, हर बच्चे की लाइफ स्टोरी, हर बच्चे का सक्सेस, फेल्यूर, प्रिपरेशन का तरीका, मिस्टेक सब अलग अलग होती हैं और मैं चाहता हूं कि ये सब सेशंस आप बहुत ध्यान से सुने और देखें। तो अविनाश, आप अपनी, मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है, जो आपने अपनी लाइफ में ये अचीव किया, वो किस तरह से किया, क्या आपका मैनेजमेंट था और आपको क्या लगता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट थी आपकी लाइफ में और क्या मिस्टेक आपने की। सर, मैं पहले बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग में जो एक कॉलेज होने का वो एक खुशी रहती है, तो वो उसके साथ इतना मतलब करियर के लिए, पढ़ाई के लिए इतना मतलब इसके बाद क्या करना है, इतना कुछ नॉलेज नहीं था। बट जैसे ही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हुआ तो एक मतलब सीनियर वगैरह से, दोस्तों से ही इंटरेक्शन करने के बाद ये पता चला कि अभी मतलब एमसीए अगर मेरे को नहीं है तो मतलब ये फोकस था कि हाँ मेरे को कंपनी जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी एमसीए था। तो मैंने जैसे मैं अगर बोलना चाहूँगा तो फरवरी के महीने में सर का कोर्स मैंने ज्वाइन किया, ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का बहुत सीन है, 70% मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने सर के यूट्यूब पे वीडियो देखा और मैंने सर का ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, मैं एक फ्रेंड के साथ। तो उसी के साथ एक मोटिवेशन मिला। सर जैसे ही मोटिवेशन देते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि विदाउट एनी गाइडेंस, जैसे महाभारत के युद्ध में, महाभारत में जैसे अर्जुन को उनके प्रॉपर गाइडेंस के वजह से वो एक मुकाम अपने विन तक पहुंच पाए। तो मेरे लिए वैसे ही जो श्री कृष्ण बने शरद सर और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स, पहले से मैथ्स के लिए इंटरेस्ट था, बट उस चीज को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर चैनल के वे से शरद सर ने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो ये थी मेरी सक्सेस जर्नी। इसके साथ साथ मैं जो अभी जो स्टूडेंट्स है उनको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मैंने मिस्टेक्स किए हैं वो भी बताना चाहूँगा, ताकि उससे वो लोग सीखें और वो लोग ये जान पाएं कि वो क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अपने लाइफ में इस कोई भी एग्जाम्स के लिए या कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई भी बैटल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ होते हैं। एक तो है कॉन्फिडेंस, जो खुद में होना चाहिए, एक है सेल्फ बिलीफ और एक होता है रेगुलरिटी। जो 3 चीज, जो तीसरी चीज है रेगुलरिटी, वो स्टार्टिंग में मैंने मिस किया, बट ड्यू टू कोविड, जो कि जिसने हम ये 2020 बैच को बचा दिया। वरना अगर मई तक एग्जाम होता, जैसे कि मैंने बता दिया है कि फरवरी के महीने में मैंने स्टार्टिंग किया था, तो नो वे पॉसिबल कि इसको मैं क्रैक कर पाता। और जब मैंने सर को फोन भी किया था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि सर मैं अभी लेना चाहूंगा, तो सर ने मेरे को ये पहले ही कह दिया कि बच्चे तुमने लेट कर दिया है, बट कोई नहीं, तुम स्टार्ट करो और हम देख लेंगे। तो बट फॉर्चुनेटली भगवान ने और सर ने हमारे साथ दी और मतलब डेट एक्सटेंड हो गए और अभी मतलब डेज एक्सटेंड हो गए। उस टाइम तक मतलब ये था कि मेरा रेगुलरिटी नहीं था, कि हाँ आज पढ़ लिया फिर 2-3 दिन के बाद ऐसे। बट उसके बाद सर ने मोटिवेट किया, मोटिवेट के साथ साथ मैंने टाइम टेबल बनाया, फिर कौन से दिन किस चीज़ को पढ़ना है हर दिन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डेली बेसिस पे हमको मैथ और जो LR है उन दोनों को टाइम देना है। और एट लास्ट अगर कंप्यूटर का रिवीजन कर सकते हो या इंग्लिश का रिवीजन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट ये है कि मैथ्स एंड LR को बिल्कुल आप नेग्लेक्ट मत कर, जो कि हाईएस्ट इम्पोर्टेंस है। तो देखिए अविनाश ने एक बात बहुत अच्छी बोली, और अविनाश कभी कभी बोलते हैं कुछ चीजें अच्छे के लिए होती हैं, कुछ बुरे के लिए होती हैं। जैसे आपने खुद बोला कि मैं पहले डिसिप्लिन नहीं था, पर ड्यू टू कोविड एक आपको एक स्पार्क मिल गया कि नहीं यार अपने को टाइम मिला है, इसका भरपूर यूटिलाइज करें, और वो आपने उसका करा यूटिलाइज। देखो आज आपका उसके सामने रिजल्ट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है। और देखिए अविनाश, आपने फाइनल ईयर के साथ ही क्रैक किया एग्जाम, तो दोनों का मैनेजमेंट कई बार मुश्किल होता है। तो उस पे आपका क्या अपना स्टेटमेंट है कि कैसे आपने उसको मैनेज किया, उस पे आपका क्या बच्चों को सजेशन होगा जो फाइनल ईयर में स्पेशली होते हैं और कई बार उन्हें लगता है कि नहीं फाइनल ईयर के साथ ना देके नेक्स्ट ईयर दें, तो उनके लिए आपको क्या मैसेज होगा? सर फाइनल ईयर के साथ मैंने ऐसे मैनेज किया कि जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा मैथ्स में थोड़ा लाइकिंग था, तो उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स में लाइकिंग है तो वो इजीली क्रैकेबल है एनआईटी, और उन बच्चों के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है, दोबारा तुम्हारे लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जैसे ही आपने बीटेक वगैरह के लिए बीटेक देके एनआईटी या आईआईटीज में जाने का सोचा था, वो अगर नहीं हो पाया तो इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म, आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहिए। और जो क्वेश्चन सर ने पूछा है वो ऐसा है कि हमारा जो टाइम था हमको कोविड के वजह से टाइम मिल गया, और अभी भी जो 2021 बैचेस है अभी भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस इतना मुश्किल नहीं होता है कॉलेज का। तुमको आप सब लोगों को कम टाइम देना पड़ेगा, और इतनी असाइनमेंट्स या वर्कशीट्स वगैरह भी नहीं होंगी। तो एक सबसे मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है कि एक कॉन्फिडेंस और एक मैनेजमेंट नहीं होने से आप कोई भी काम, कोई भी अपने लाइफ किसी भी पॉइंट पे भी आप सही नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मैनेजमेंट बनाइए और अपने खुद के ऊपर बिलीफ रखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये करूँगा। तो जब तक वो ना हो जाए तब तक आप अपने ऊपर बिलीफ मत हटाइए, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर बिलीफ रखेंगे तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बहुत अच्छी बात बोली अविनाश। दो चीजें देखो, आपने भी अगर देखें तो प्रैक्टिकली लगभग 5 से 6 महीने पढ़ाई करी है, क्योंकि कोविड बढ़ गया। अभी भी लगभग 6 महीने बचे हैं, और ड्यू टू कोविड इस बार अभी तक कॉलेज ओपन नहीं हुए, नहीं तो पहले एक आप कॉलेज जब जाते थे, जाना आना, फिर आपका मैनेजमेंट सब कुछ करना। अभी सब घर पे रहता है, भले ही कॉलेज की क्लास होती है पर ऑनलाइन होती है, तो उतना टाइम नहीं देना होता जितना रेगुलर क्लास के समय देना पड़ता है। तो अभी भी जो बच्चों के पास 5-6 महीने बचे हैं, वो ये सोच के ना रुक जाएं कि टाइम कम है, बल्कि ये सोचे कि इस कम टाइम में हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं, राइट तरीका क्या हो सकता है, कौन सी स्मार्ट स्टडी करें जिससे कि हम अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो अविनाश आपने काफी अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जिस जगह से हैं उड़ीसा से, तो आपने अपनी पढ़ाई मतलब जो दिल्ली से यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है पूरी उड़ीसा में हुई होगी? सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं 10th तक उड़ीसा में पढ़ा हूँ। उसके बाद 11th 12th मैंने विशाखापट्टनम से किया, श्री चैतन्य से, और फिर उसके बाद एक साल मैंने ड्रॉप लिया था IIT-JEE के लिए। उसमें मेरे को प्रिफर्ड ब्रांच नहीं मिला, तो मैंने मतलब प्रिफर्ड ब्रांच इन द सेंस मेरे को CSE के फील्ड में ही जाना था। तो मैंने सोचा, तो मेरे को वो नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि DU में हो जा रहा है तो फिर मैं DU से ही परस्यू कर लेता हूँ। तो अविनाश आपने एक और बात बहुत अच्छी बोली थी कि जिन बच्चों का बाई चांस, जैसे कई बच्चों का ड्रीम होता है IIT में जाने का या NIT में जाने का 12th के बाद, पर वो कई बार पूरा नहीं हो पाता है। तो ये एक लूप लाइन है जो बहुत कम लोगों को पता है, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब थ्रू आप निमसेट के भी उन्हीं जगह पे जा सकते हो जो आपका बाई चांस IIT के वजह से ड्रीम पूरा नहीं हुआ, और कंपेयर टू IIT थोड़ा एफर्ट भी कम है। वहां आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या मैथ्स एप्टीट्यूड ही पढ़ना है। तो काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, मतलब जो ड्रीम बाई चांस किसी का 12th में पूरा नहीं हुआ, उनके पास ये एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी होती है कि वो निमसेट के थ्रू NIT में चले जाएं। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा लगा अविनाश आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही आगे बढ़े, खुश रहें, और अब NIT कैलीकट में भी जाके ऐसे ही बिल्कुल झंडे गाड़ें और खूब आगे बढ़े। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।